शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव के केसों को देखते हुए समाज सेवी संस्था युवा लोकतांत्रिक संगठन ने आज तहसीलदार हरकेश गुप्ता व ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज सुभाष चंद्र के सहयोग से शहर के पंचमुखी चौक व वाल्मीकि चौक में मास्क वितरण किया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष दलवीर धोकरवाल ने बिना मास्क के बाजारों में घूम रहे दुकानदारों व वाहनों में सफर कर रहे लोगों को मास्क पहनाकर मास्क का महत्व बताया। उन्होंने कोरोना महामारी के दौर में लोगों को मास्क लगाए रखने के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने लोगों से कोरोना महामारी से बचने के लिए सरकारी हिदायतों का पालन करने का आह्वान भी किया। ट्रैफिक पुलिस प्रभारी सुभाष चंद्र ने कहा कि मास्क की कीमत महज 5-10 रुपये ही है, लेकिन इसके नहीं लगाने पर होने वाले चालान की कीमत 500 रुपये है। प्रदेश सरकार ने भी 2 दिनों तक नो मास्क चालान डे मनाया था। इसी के तहत उन 2 दिनों में बिना मास्क घूमने वाले लोगों के चालान नहीं काटे गए, बल्कि उन्हें समझाया और कोरोना काल में मास्क का महत्व बताया गया था। उन्होंने मास्क वितरण में सहयोग करने के लिए दलवीर सिंह धोकरवाल व उनकी संस्था का आभार भी जताया। आज का अभियान है भाई, ये दलवीर है, ये अपने संस्था की तरफ से उनको चुनके और भेजा है मास्क बांटने के लिए, और मास्क की बीमारी को नाम कोरोना महामारी के बारे में बता रही है भाई ने, इससे बच्चों मास्क लगाने को। ये संस्था कई संस्था है, ये भी हैं, 2-3 दिन पहले भी दूसरी संस्था ये थी, सभी मास्क बांट रहे हैं, लगा भी रहे हैं। 70-80% लोग मास्क लगाने लगे, सबको बीमारी का पता लग गया और इस बीमारी से बचने का एक उपाय है कि मास्क लगाओ और दूरी बनाए रखो। बालाजी परिवार की तरफ से तत्वधान में और मैं दलवीर सिंह धोकरवाल अध्यक्ष युवा लोकतांत्रिक संगठन के द्वारा ये आज अभियान चलाया गया मास्क का, मास्क लगाओ और बीमारी भगाओ। इसका कोई भी इलाज नहीं है पूरे देश के अंदर, इसका इलाज एक ही है, इससे आदमी एक दूसरे से दूरी बना के रखो और सैनिटाइजर का प्रयोग करो और मुंह पे मास्क लगाओ और ज़रूरत पड़ने में बाहर निकलो, बाकी घर में रहो। और कल मेरी इस विषय में SDM साहब से SFP साहब से भी मेरी मुलाकात हो रही है, मेरी संस्था की, तो मैं उनके विचार को सुनूंगा कि जितने भी हमारे शहर के वार्ड पार्षद हैं उनको सबको हिदायत दी जाए कि घर घर में जाके इसका प्रचार करें, प्रसार करें कि ये घर में रहें और बगैर मास्क के घर से बाहर ना निकले। अगर शहर के लोग मास्क लगाएंगे तो गांव के लोग भी लगाएंगे, ये बीमारी को सबको डर है। तो इसके लिए कल मैं SDM साहब से भी और सचिव साहब से मुलाकात होगी मेरी, तो इस विषय में मैं सभी से और नगर हमारे जो पालिका प्रधान है रविंदर जी लड्डा उनसे भी मैं बात करूँगा भी ये पूरे शहर के अंदर सब वार्ड पार्षदों की ड्यूटी लगा के सबको मास्क दिया जाए और सबको घर घर में जाके इसका प्रचार किया जाए भी बीमारी से बचो और जरूरत पड़ने से घर से बाहर निकलो। दोस्तों, कोरोना वायरस के इस काल में लोकतांत्रिक युवा संगठन ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इस कार्य के लिए दलवीर सिंह धोकरवाल और उनकी टीम बधाई की पात्र है। चैनल डी भी आपसे अपील करता है कि यदि आप समर्थवान हैं तो जितना संभव हो सके जरूरतमंद लोगों की सेवा और सहायता जरूर करें। आपने अगर चैनल डी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दें ताकि हमारे सारे वीडियो आपको तुरंत और सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और अपने अमूल्य कमेंट भी कीजिए। तब तक आप देखते रहिए केवल चैनल डी। धन्यवाद।